नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस की मेगा रैली, महाराष्ट्र के नागपुर में होगी कांग्रेस की बड़ी रैली, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत लाखों कार्यकर्ता जुटेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेगी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो कांग्रेस पार्टी आज 139वें स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में मेगा रैली का आयोजन करने जा रही है। हम हैं तैयार थीम के साथ पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तीन मुख्यमंत्री और साथ ही राज्य के पार्टी प्रमुख पदाधिकारी, अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही रैली में देश भर के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की तैयारी की गई है। कांग्रेस की मेगा रैली नागपुर में आयोजित हो रही है, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय भी है। कांग्रेस महाराष्ट्र यूनिट के चीफ नाना पटोले ने कहा है कि मेगा रैली में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने नागपुर के ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए कहा कि ये कई आंदोलनों और क्रांतियों का केंद्र रहा है। कांग्रेस ने नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, जिसके कारण 1947 में भारत को आजादी मिली थी। नागपुर में रैली का आयोजन होना है और नागपुर में कांग्रेस की तरफ से इस महारैली का आयोजन किया जाएगा। 139वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस की ये बहुत बड़ी रैली होगी, जिसमें एक बार फिर से कोशिश की जाएगी भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही तस्वीरें देखने को मिले, जहां कांग्रेस के बीच अपना भरोसा, अपना विश्वास एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी स्थापित करती नजर आएगी। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, आज जहां पर कार्यक्रम होना है वहां की एक तस्वीर है। आप साफ देख पाएंगे किस तरह से पूरी व्यवस्था जो है वो कर ली गई है कांग्रेस की तरफ से। 139वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। महारैली, मेगा रैली भी आयोजित की गई है महाराष्ट्र के नागपुर में। वहां पर आज कई कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी जुटेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे आज नागपुर में एक साथ नजर आएंगे। कांग्रेस की बड़ी रैली आज देखने को मिलेगी। 139वें स्थापना दिवस के मौके पर ये रैली देखने को मिलेगी। तो आज देश भर में कांग्रेस की तरफ से स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इसको लेकर विशेष इंतजाम जो है वो नागपुर में किए गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आज 139वें स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में मेगा रैली का आयोजन करने जा रही है। हम हैं तैयार थीम के साथ पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो मैदान तैयार किया गया उसका नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है कांग्रेस की तरफ से। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य पार्टी प्रमुख पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज ये कार्यक्रम होगा। साथ ही रैली में देश भर के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की तैयारी भी की गई है। कांग्रेस की मेगा रैली नागपुर में आयोजित हो रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की यात्रा पर विदेश मंत्री जयशंकर ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। भारत रूस संबंधों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री सर्गेई
लावरोव से भी मिले जयशंकर। पुतिन ने दिया पीएम मोदी को रूस आने का न्योता। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। रूस के राष्ट्रपति को जयशंकर ने पीएम मोदी का मैसेज और पत्र दिया है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत रूस का बिलेटरल ट्रेड 50 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने दोनों देशों के बीच विकास की संभावनाएं और व्यापार संबंधों को ज्यादा टिकाऊ बनाए रखने पर जोर दिया। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अगले साल रूस का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने मित्र पीएम मोदी को रूस में देखकर उन्हें खुशी होगी। वहीं विदेश मंत्री ने कुडनकुलम प्रोजेक्ट से संबंधित अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करने पर जोर डाला। साथ ही परमाणु क्षेत्र पर भी चर्चा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए पुतिन ने उन्हें एक बार फिर से रूस आने का न्योता भेजा है। यात्रा पर विदेश मंत्री जयशंकर और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। भारत रूस संबंधों पर बातचीत हुई। न केवल बातचीत हुई बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल यानी कि 2024 में रूस आने के लिए भी आमंत्रित किया है रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूस की यात्रा पर विदेश मंत्री जयशंकर और यात्रा पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। बातचीत के साथ ही न्योता भेजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मेरे सरकार आए हैं और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में रामलला के आने का इंतजार है लोगों को, इस बीच लगातार जो अपडेटेड तस्वीरें हैं राम मंदिर की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें, आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे सीएम योगी। सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी समीक्षा करेंगे। अयोध्या में चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तमाम तैयारियां, विशेष तैयारियां की जा रही हैं और उन तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे आज अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद वो राम मंदिर जाएंगे, वहां पर जो अब तक काम हुआ है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तैयारियां की जा रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। तो देखिए योगी का अयोध्या दौरा, स्थलीय निरीक्षण करने के लिए अयोध्या आ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि आज उनका कार्यक्रम तय किया गया है। मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा वो लेंगे,
और साथ ही हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो जोरों से चल रहा है। 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो तैयारियां हैं वो भव्य तैयारियां आपको न्यूज इंडिया लगातार दिखा रहे तस्वीरों के माध्यम से। और इसी बीच जिस बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे थे, आज अयोध्या आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर भी पल पल का जो अपडेट था वो आपको न्यूज इंडिया ने दिया। भगवान श्री राम 30 दिसंबर को गर्भगृह में विराजमान होंगे और इस मौके पर पीएम मोदी पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा उनका करेंगे। इसी के साथ ही भगवान राम टेंट से निकलकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। रामलला के 500 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है और अब टाट से निकलकर ठाट वाले दिन आने वाले हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरें देखिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, 22 जनवरी को यहीं पर उद्घाटन होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में जिस दौरान कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इस जमीन को नॉर्मल नहीं माना गया था फाउंडेशन के लिए, उसके बावजूद 40 मीटर तक इस जमीन को नीचे खोदा गया, उसके बाद कंक्रीट की एक बेस रेडी किया गया जिस बेस पर आज ये मंदिर आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है, सबसे इसकी खास बात ये है कि मकराना के मार्बल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बंसीधरपुर एक गाँव है जहाँ के पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। ये तस्वीरें अप्रतिम हैं क्योंकि यहीं पर गर्भगृह में कुछ दिनों के बाद आप रामलला को देख पाएंगे। देखिए किस तरीके से मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है और निर्माण कार्य के लिए लगातार जो वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं। 22 जनवरी की तारीख का सभी को इंतजार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। न्यूज इंडिया के कैमरे की नज़र से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मंदिर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जो रामलला आप मौजूदा समय में देखते हैं वो रामलला असल में अब बदलने वाले हैं। 5 साल की प्रतिमा कि यहाँ पर स्थापना होगी जो कि 51 इंच इस मूर्ति की लंबाई होगी। 3 मूर्तियाँ मौजूदा समय में तैयार की जा रही हैं और जो सबसे ज़्यादा आकर्षक और बाल स्वरूप की मूर्ति होगी उस मूर्ति का चयन किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भूषण, हमारे कैमरा पर्सन लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस मंदिर के निर्माण में, और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो आप ये बेस देख पाएंगे, देखिए ये बेस हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेस कंक्रीट बेस है जिस पर चेन्नई के इंजीनियर्स ने काम किया और तब जाकर के इस जमीन को कंक्रीट से भरा गया है। तो लगातार देखिए
जो तस्वीरें हैं राम मंदिर से वो हम आपको दिखा रहे हैं। 22 तारीख का इंतजार पूरे देश को है, 500 साल का इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही। भव्य राम मंदिर जिसका वादा बीजेपी ने किया था वो वादा पूरा होगा। इसके साथ ही अगर हम आज की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचने के साथ ही सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां जाकर वो पूजा अर्चना करेंगे, फिर पहुंचेंगे राम मंदिर। राम मंदिर में पहुंचने के साथ ही जिस तरह की भव्य तैयारियां की जा रही है उसका भी निरीक्षण करेंगे। दो नवंबर 1990 की घटना को अपनी आंखों से देखने वाले एक और शख्स हमारे साथ हैं, संजय नागा इनका नाम है, बहुत लोकप्रिय नाम है इस पूरे अयोध्या के खास मोहल्ले रायगंज में वो रहते हैं। और 2 नवंबर 1990 के दिन इनके साथ हुआ ये कि कार सेवा करने गए थे और उस दौरान गोलियां चली, ये एक जगह छिप गए और घंटों वहाँ पर वो छिप के बैठे रहे, उनके सामने लाशें गिरती रहीं, किस तरह से वो बच के आए इनकी जमानत जानने की कोशिश करते हैं। आप उस दृश्य को अपने मस्तिष्क में ज़रा चलाइए, सोचिए कि कैसे क्या हुआ होगा जब एक नौजवान लड़का घंटों एक जगह छिप कर अपनी जान बचाने के लिए बैठा हुआ है और उसके सामने पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं, लाशें गिर रही हैं। संजय, आप बताएं कि किस 2 नवंबर 1990 को आप कितने बजे घर से निकले और क्यों निकले थे? कार सेवा के लिए निकले थे, लेकिन जब चारों तरफ गोली चल रही थी। यहाँ से कितने बजे निकले? 9 बजे पहले। ठीक है, अकेले थे, कोई और लोग भी थे? और लोग गए थे, छोटे लाल चौरसिया और राज कपूर भी गए, मोहल्ले कई लोग गए थे, चेतन दास भी गए। अच्छा, फिर? फिर लाल कोठी से हनुमानगढ़ी पहुंचे, तब गोली देखे। तब कितना टाइम हो रहा होगा, कितना बज रहा होगा? जब गोली देखे तब फिर रुक ठीहा देखे, रुके कहीं कि गोली किसी को, सामने गोली चल रही थी, चल रही थी, आप छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। हाँ, फिर तब वही देखें कि कहाँ रुके, तब सिंह द्वार के खाली रहा, तो उन्हें साधु के रिक्वेस्ट किए एक साधु को, तो उन्हें देखें और कार सेवक लोग और भी रहे, तो वहीं लड्डू ले आए। मतलब महाराज कमरे में कार सेवक लोग छिपे हुए, छिपे थे, वहीं हम भी गए। ठीक है, हाँ। तो आप, उन्होंने बुला लिया आपको? हाँ। अच्छा, फिर? तो लड्डू आया, तो लड्डू इस स्थिति में कौन खाएगा? फिर? तो फिर देखत रहे कि एक बार देवदास हमारे सामने गोली मारा गया रहा। अच्छा, वो कमरे के बाहर था? हाँ, जहाँ आप लोग छिपे थे। हाँ, जो सड़क है वो छोटी सड़क, वो पार पे गोली चल रही थी, सब गोली चल रही थी, मशीन गन भी चली है। अच्छा, हाँ, हम देखे हैं। और कार सेवकों की भीड़ रही होगी? कार सेवकों की भीड़ गायब, जब गोली चल रही थी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।